बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह स्प्रियर कॉलेज डेरा गाजी खान और मैं बात कर रहा हूँ जलील अहमद। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक इलास्टिक व्यू यानी नॉन डायमेंशन डिस्कस करेंगे। हम लास्ट टाइम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं इलास्टिक इक्वेशन और इनइलास्टिक इक्वेशंस की। हमने पढ़ा था ऐसी इक्वेशन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो उसे हम कहते हैं इलास्टिक इक्वेशन, और ऐसी इक्वेशन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक इक्वेशन। इसके साथ साथ चाहे इलास्टिक इक्वेशन हो या इनइलास्टिक इक्वेशन हो दोनों के अंदर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये तो इलास्टिक इक्वेशन है। वन डायमेंशन से क्या मुराद है? वन डायमेंशन से मुराद है कि एक ही एक्सिस के अंदर मोशन होगी, वो एक्स वाई या जी तीनों में से कोई एक हो सकता है। फिजिकल एग्जांपल समझने से मजीद इसको मैं वाज़ेह कर सकता हूँ कि किसी आप ये अज्यूम कर लें कि जो मोशन है वो किसी एक स्ट्रेट धागे के ऊपर है, वो जो धागे के ऊपर मोशन होगी वो वन डायमेंशनल होगी। अब वो कहते हैं अज्यूम कीजिए हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। जैसा कि ये एक बॉल है जिसका मैस m1, ये बॉल जिसका मैस m2 है, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। बॉल मैस m1 का जो वेलोसिटी है वो v1 है, मैस m2 की वेलोसिटी v2 है। ये आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद मैस m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है, मैस m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। कोलिजन से पहले मैस m1 का अगर हम मोमेंटम डिस्कस तो मैस इसका m1 का मोमेंटम बनेगा m1 v1, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम जो है वो mv के बराबर होता है। इसी तरह मैस m2 का जो मोमेंटम है वो हमारे पास बनेगा m2 v2। अगर बिफोर कोलिजन की मैं बात करूं तो बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो बॉल m1 का मोमेंटम, इसका ये वाला मोमेंटम और इसका ये वाला, इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा। और आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जब बॉल कोलाइड्स करेगी इनकी इलास्टिक चेंज हो जाएगी, मैस m1 का आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो m1 v1 prime, क्योंकि इलास्टिक अब टकराने के बाद v1 prime हो चुकी है। इसी तरह जो बॉल m2 है उसका टकराने के बाद का मोमेंटम m2 v2 prime हो चुका है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टकराने से पहले का कोलिजन, कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब है ये m1 v1 plus m2 v2 इज इक्वल टू होगा m1 v1 prime plus m2 v2 prime, जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है इस इक्वेशन के अंदर। अब हमने क्या किया, हम m1 जो वन वाली दोनों वैल्यूज है ये वाली और ये वाली, इनको हम इक्वेशन के एक साइड पे ले गए, जबकि हमारे पास जो टू वाली वैल्यूज है इनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए, जैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। इस तरह मैं इनको लिख सकता हूँ, m1 वाले में लिख सकता हूँ एक ही साइड पे, जो कि हमारे पास बनेगा m1 v1, और इस दूसरी वैल्यू को जब हम दूसरी साइड पे ले आएंगे माइनस की हो जाएगी ये वैल्यू और ये हो जाएगा m1 v1 prime इक्वल टू, अच्छा ये ऑलरेडी इसी साइड पे ये इक्वेशन मौजूद है, ये जो टर्म है हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं लिखूंगा m2 v2 prime, और इस टर्म को जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे
ये हो जाएगी माइनस एम टू वी टू। अब देखा जा सकता है कि हमारे पास एम वन यहां से और यहां से कॉमन लिया जा सकता है, जबकि एम टू यहां से और यहां से कॉमन लिया जा सकता है। यहां से एम वन को कॉमन लेंगे, ये कॉमन ले लिया आया वी, तो अंदर से वी वन माइनस वी वन प्राइम बचा। इसी तरह यहां से वी टू को कॉमन ले लिया तो बचा वी टू प्राइम माइनस वी टू। इस ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3.14, जो कि बुक के अंदर इसका नाम 3.14 है। आप इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकता हूँ। एज द क्लूजन इज इलास्टिक सो द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। जैसा कि हम कह चुके हैं कि क्लूजन इलास्टिक है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो मैं कह सकता हूं कि मास एम वन का जो टकराने से पहले का मोमेंटम है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, और मास एम टू को जो टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी है, इनका सम बाद वाली काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉल्स की बॉल की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि बॉल एम वन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। बॉल एम वन की काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 1/2 mv2, ये है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv2 के। जबकि यहां जो मास m2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉल्स के टकराने से पहले और यहाँ क्योंकि कोलिजन के बाद वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 m1 v1 का प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर आएगा। ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉल की हो गई हमारे पास। तो इलास्टिक कोलिजन कहता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी सेम। यहाँ पे हमने ये देखी कि हमारे पास 1/2 m1 v1 का स्क्वायर ये लिखा, ये दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, जबकि ये हमारे पास उसके बाद, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है पहली बॉल की कोलिजन के बाद और ये काइनेटिक एनर्जी है दूसरी बॉल की कोलिजन के बाद। अब हमने क्या किया, जिस तरह पहले इक्वेशन के अंदर एम वन वाले एक साइड पे ले गए, एम टू वाले दूसरी साइड पे ले गए, यहाँ भी हमने ये किया, एम वन वाले एक साइड पे ले गए, एम टू वाले दूसरी साइड पे ले गए। अब देखिए एम वन और टू यहाँ से भी कॉमन आ सकता है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो इस तरह ये 1/2 दोनों साइड से कट जाएगा। जो बाकी वैल्यूज बचती है आप एम वन कॉमन ले लेना है, तो एम वन अगर इस टर्म से भी और इस टर्म से भी कॉमन लेंगे, क्योंकि ये एक ही साइड पे आ जाएगी, हमारे पास आएगा वी वन का स्क्वायर माइनस वी वन प्राइम का स्क्वायर। इसी तरह एम टू भी जब कॉमन लेंगे हमारे पास आता है वी टू प्राइम का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम पढ़ चुके हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको ए स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला है जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले के तहत यहाँ भी ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया वी वन प्लस वी वन प्राइम इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम, सिमिलरली इसी को भी हमने फार्मूले के तहत ओपन किया। तो ये बनी ये वी टू प्राइम प्लस वी टू और फिर माइनस के साथ वी टू प्राइम माइनस वी टू। तो ये इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 3.15। अब दो इक्वेशन आ गई 3.14 3.15, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 3.15 को और 3.14 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा तो इक्वेशन 3.15 को 3.14 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये दोनों कट गई, यहाँ ये टर्म्स और ये टर्म सेम है। तो M1 से कट गया, M2 से कट गया, बाकी जो पीछे वैल्यू बची वो V1 प्लस V1 प्राइम और V2 प्राइम प्लस V2 है, ये जो कि यहाँ पर हमने लिख दी। अब मैंने क्या किया कि जो प्राइम्स के बगैर हैं उनको अलग लिख दिया, जैसे V2 यहाँ प्राइम के बगैर है इसको मैं ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस का हो गया। यहाँ बना V1 माइनस V2 इज इक्वल टू प्राइम्स वाली दूसरी साइड पे ले गए, ये V2 प्राइम है ये V1 प्राइम है, V1 प्राइम को जब लेफ्ट से राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम आएगा। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो माइनस वन प्राइम है ये प्लस का हो जाएगा, जो वी टू प्राइम है ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखें ये हमारे पास है स्पीड ऑफ अप्रोच, कोलिजन से पहले दोनों बातें एक दूसरे से करीब आ रही थी तभी तो वो कोलाइड कर गई, क्योंकि वो दूसरे के करीब आ रही थी। तो जितनी स्पीड के साथ एक दूसरे के करीब आ रही थी उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच, और जितनी स्पीड के साथ एक दूसरे से दूर जा रही होंगी उसे हम कहेंगे स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पे इसको लिखा गया है बुक के अंदर, इन अदर वर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम केसेस डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन के मुख्तलिफ चार केसेस हैं। आज के लिए खुदा हाफिज़।